हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस कालखंड में एस्टर के रासायनिक गुण, उनके उपयोग तथा एसिटामाइड के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें एस्टर के रासायनिक गुण। इसके पहले हम एस्टर के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें भौतिक गुणों में हम ये देख रहे थे कि वह मधुर गंध वाले होते हैं, और हम ये भी समझ रहे थे कि वह फल में, फूल में, पत्तियों में जो सामान्यतः गंध होते हैं, मधुर गंध, वो सभी एस्टर के कारण से होते हैं। जैसे हम केला का उदाहरण लें, इसमें केला खाते हैं तो उसका एक अलग से सुगंध आता है, तो वो जो गंध है उसमें उपस्थित यौगिक है एन पेंटिल एथेनोएट। यह केला में पाया जाता है, यह एस्टर है, इसी कारण से केला का जो सुगंध है अलग से हमको पता चल जाता है। उसी प्रकार से कुछ और फल हैं, जैसे संतरा है, उसमें ऑक्टिल एथेनोएट नामक एस्टर पाए जाते हैं, वही उसका संतरे का सुगंध को बताता है। अगला इसमें है, जैसे हम अनानास देखते हैं, अनानास में भी एक विशेष प्रकार के सुगंध आते हैं या गंध आते हैं, जिसमें एथिल ब्यूटानोएट नामक यौगिक जो एस्टर है वह पाया जाता है। ऐसे अलग अलग और फलों में, फूलों में ये यौगिक पाए जाने के कारण उनका एक विशिष्ट गंध होती है। जैसे हम बाज़ार में देखते हैं कुछ चॉकलेट आते हैं, जिसमें केला वाला चॉकलेट कहते हैं, हम अलग अलग नाम से उसको देखते हैं, नारंगी चॉकलेट, उसका हमको जो सुगंध है या गंध है उसी के समान आता है, वह एक रासायनिक यौगिक है, सब उसमें मिला लेते हैं। आगे चले हम इसमें रासायनिक गुण, एस्टर का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे इसमें, जिसमें से हम यहाँ पर पहला हम कुछ टॉपिक को लेकर चलते हैं, जिसमें लिखते हैं इसमें जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। तो एस्टर के जल अपघटन होने पर सामान्य सूत्र सीधा RCOR- अभी लिख लें, इसका हो रहा है जल अपघटन H2O की उपस्थिति में, सॉरी H2O, इसमें जल ए कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर अभी अम्लीय माध्यम थोड़े दिन, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें H2SO4, या HCl भी लिख सकते हैं, इसमें अम्लीय माध्यम में हो रहा है। तो ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे तो ये जो है प्रबल निकोनी लेना, इसमें तनु को लेंगे इसमें, तो इससे क्या होगा, देखिए आगे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत एस्टर के जल अपघटन होने पर वह क्या बन जाता है, एल्कोहल और अम्ल में। तो राइट हैंड साइड वाला जो R होता है वह एल्कोहल बनाते हैं, जिसको हम इस प्रकार समझ लेते हैं एसिटिल समूह RCO समूह जल के हाइड्रोजन से क्रिया करके, सॉरी जल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह में आएगा, तो इससे बनेगा RCOOH। लेफ्ट हैंड साइड वाला R हमेशा एसिड बनाएगा, राइट हैंड साइड वाला R हमेशा एल्कोहल बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि बना ही उसी से है, वो बना ही उसी से है। तो इसी प्रकार से जिस पदार्थ से मिलकर बनते हैं अंत में उसी में टूट जाते हैं। जैसे हम सामान्यतः बोलते हैं कोई व्यक्ति का डेड हो जाता है, डेथ होने पर हम बोलते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया, इसका सीधा मतलब है कि उसका शरीर उसी जिस तत्व से मिलकर बना था उसी तत्व में ही बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एस्टर का जो निर्माण होता है वह अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से ही होता है, इसीलिए अंत में वह जल अपघटन होने पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे इसमें CH3COO, और यहाँ पर R को मैं अलग से बताने के लिए यहाँ पर C2H5 लिख दे रहा हूँ, ताकि हमको स्पष्ट समझ आ जाए। एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट हो गया, और जल इसमें अम्लीय माध्यम भी हो सकता है और क्षारीय माध्यम। तो अभी इसको हम अभी समझ, इसमें H2O4 न लिख करके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन चल रहा है, तो सेम इसी प्रकार से नाम केवल चेंज हो जाएंगे, CH3COH प्लस R माने राइट हैंड साइड वाला, एल्कि समूह क्या है C2H5OH, तो ये एसिटिक अम्ल क्या बन रहे हैं, इसमें एल्कोहल बन रहे हैं, एथिल एल्कोहल। उसी प्रकार से क्षारीय जल अपघटन भी हो सकते हैं, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराएं, इसमें क्षारीय जल अपघटन। तो क्षारीय माध्यम में उदाहरण के लिए हम सीधा NaO चले जाते हैं इसमें, और NaO लेने पर CH3COO में सीधा उत्तल इसमें एथिल एसिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस जल
जल का अपघटन तो हो ही रहा है लेकिन उसमें NaOH मिला दिए हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, वह मुख्यतः सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जेली बिलियन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ही है इसमें, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा यहाँ से, फिर इसका जो एस्टर का C2H5CO भाग है इसके NaOH से क्रिया करके H से वह रिप्लेस करेगा और इस प्रकार से CH3COONa बन जाएगा यहाँ से CH3COO और हो गया Na। और ठीक इसी प्रकार से इस H को C2H5O के साथ में जुड़िए, C2H5O के साथ में क्या जुड़ गया H। यहाँ पर देखिए अभी हम जिस उदाहरण को लिए हैं इसमें सोडियम एसीटेट बन रहा है, नाम को नीचे हम लिख लेंगे सोडियम एसीटेट और राइट हैंड साइड में जो अलग पदार्थ बन रहा है इसका नाम क्या, यहाँ पर एथिल अल्कोहल, एल्कोहल, इसी को हम और बोलते हैं वसा अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि हम वसा अम्ल का प्रयोग तभी करते हैं जब वह एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक रिंग वाला नहीं होता। अब एक यहाँ पर और छोटा सा होता है इसमें काम समझेंगे, यदि कार्बन नंबर 12 से लेकर के कार्बन नंबर 17 तक वाले एल्किल मूलक होते हैं, यहाँ पर जो R है मैं इसको अलग से इस प्रकार से गोला बनाओ समझने के लिए, यदि CH3 या एल्किल जो समूह है, यहाँ पर CH3 की जगह में बोल रहा हूँ मैं, कार्बन नंबर 12 वाले हों या कार्बन नंबर 17, कार्बन 12 से लेकर 17 तक, तब की स्थिति में यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है अलग से हम इसको बोलते हैं साबुनीकरण, उस अभिक्रिया का नाम क्या आता है साबुनीकरण, यहाँ पर ऊपर में लिख रहा हूँ मैं, यदि कार्बन की संख्या 12 से 17 के बीच में हो और उसका हम क्या कर रहे हैं, इसका क्षारीय जल अपघटन कर रहे हैं, क्षारीय जल अपघटन, ये एस्टर हैं, तब की स्थिति में यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो तो वसा अम्ल का सोडियम लवण ही बनेगा, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है हम इसको क्या लिखते हैं, RCOONa लिखते हैं, या पोटेशियम भी हो सकता है, तो इसको परिभाषा के रूप में क्या कहते हैं, वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण। लेकिन यहाँ पर एक शब्द होता है उच्च वसा अम्ल का, उच्च वसा अम्ल का सीधा मतलब है कार्बन संख्या ज़्यादा होती है, करीबन इसमें 12 से लेकर के 17 कार्बन परमाणु वाले एस्टर होते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, सोपिनिफिकेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साबुनीकरण, साबुन बनता है, और साबुन का सामान्य परिभाषा ही वही होता है, उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। अब अगला चलिए इसमें दूसरा जो टॉपिक है इसमें अपघटन के अंतर्गत, इसमें लेते हैं हम अमीनो अपघटन, हेडिंग डाल लीजिए दूसरा लिखिए अमीनो अपघटन। तो अमीनो अपघटन में मुख्यतः हम क्या करेंगे, अमोनिया से संबंधित टॉपिक लेंगे इसमें, जिसमें एमीन समूह होते हैं, जैसे सीधा सीधा हम यहां पर अभिक्रिया देखते हैं अमोनिया से, एस्टर के अमोनिया से क्रिया में क्या बनेगा, तो ये हो गया यहां पर एस्टर, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ HNH2 कर दे रहा हूँ, ये अमोनिया है। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं एसिटिलकारक होते हैं, इसका H को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और यही जो H है फिर से यहाँ पर RCO समूह के जगह में आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से RCO और यहाँ पर बचा है राइट हैंड साइड में अमोनिया का NH2 और अमोनिया का एच R-O के साथ में जुड़ रहा है, तो क्या बनाएगा वो एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर इस यौगिक को RCONH2 यौगिक को बोलते हैं हम एमाइड या एसिड एमाइड कह सकते हैं, अम्ल एमाइड या एसिड एमाइड, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है यहाँ पर हम जो भी लिखे हैं वो एल्कोहल है, क्योंकि प्राथमिकता यहाँ पर एमाइड बन रहा वो हम दे रहे हैं इसीलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं,
एक उदाहरण के लिए लिखें इसमें, तो एक सीधा सीधा नाम लिख सकते हैं, R के जगह में हम लिखते हैं इसमें CH3CO, इस R डिस्क की जगह में लिख रहा हूँ मैं C2H5, नाम हो गया इसका एथिल एसीटेट, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं मुख्यतः एथिल एसीटेट को केंद्रित करके पढ़ रहे हैं, बाकी हम अन्य उदाहरण को नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो कोर्स में है वो एथिल एसीटेट मुख्य है इसमें। सेम ऐसा बना देंगे, फार्मूला क्यों चेंज होगा, जगह, सॉरी फार्मूला बोलता हूँ, जगह में क्यों चेंज होगा, आर का जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है CH3CO और आगे इसमें है NH2, तो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, सेम इसी प्रकार से उसको कर सकते हैं नकल। आर डेस है, आर डेस के जगह में राइट हैंड साइड में एस्टर का क्या है बताओ, C2H5, राइट हैंड साइड वाला हमेशा एल्कोहल बनता है, इसका नाम हो गया एसीटामाइड, एसिटिक एसिड का बना हुआ है तो नाम क्या होगा इसका, एसीटामाइड, और राइट हैंड साइड का तो एल्कोहल है ही है, एथिल एल्कोहल। ये हो गया यहाँ पर अमीनो अपघटन। इसी प्रकार से इसी अमीनो अपघटन के अंतर्गत हम और दूसरे प्रकार के यौगिकों को भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक ही उदाहरण को ले रहे हैं। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर C6H5 भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर बेंजामाइड हो जाएगा वो। जैसे एक एग्जाम्पल के लेते हैं, इसमें लिखिए जल्दी से C6H5COOC2H5, इसको क्या बोलेंगे, एथिल बेंजोएट, नाम है इसका एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। अमोनिया से क्रिया हो रही है तो क्या बनाएगा यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से C6H5CONH2, इसको नाम देंगे हम इसमें बेंजामाइड, जैसे एसीटामाइड था वैसा ही बेंजामाइड। बाकी राइट हैंड साइड वाला आर जो है एल्कोहल ही बनाएगा, चाहे तो इस प्रकार अलग से इसको इस प्रकार से एक गोल डिब्बा बना करके हम इसको अलग कर सकते हैं समझाने के लिए। ये भी हो गया यहाँ पर अमीनो अपघटन। अमीनो अपघटन के बाद में हम तीसरा लेते हैं इसमें एल्कोहली अपघटन, हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल के द्वारा ही हम अपघटन करेंगे। तीसरा लिख लीजिए एल्कोहल, जल अपघटन हो गया अम्लीय माध्यम क्षारी में, दूसरा अमीनो अपघटन, तीसरा हम देखेंगे इसमें एल्कोहली अपघटन, एल्कोहली अपघटन अर्थात एल्कोहल मिलाकर के ही हम उसका अपघटन। जैसे उदाहरण के लिए इसी को लेते हैं CH3CO C2H5 एथिल एसीटेट हमारा मेन यहाँ पर रखते हैं इसमें एग्जाम्पल में, आगे इसमें एक एल्कोहल, जैसे उदाहरण के लिए CH3OH मेथिल एल्कोहल को हम एक एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम मेथिल एल्कोहल लिखें चाहे एथिल एल्कोहल, हम अभी उदाहरण के लिए हम मेथिल एल्कोहल ले रहे हैं, मेथिल CH3 यानी मेथिल OH का मतलब यहाँ पर क्या है वो एल्कोहलिक समूह, इसीलिए हम एल्कोहल बोल रहे हैं। क्या बनेगा, ठीक उसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस एल्कोहल का एच निकलेगा और एस्टर में जो लेफ्ट हैंड साइड में RCO समूह है इसको हम वहाँ पर उसका जगह में चेंज करना है। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमको कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो किस प्रकार से लिखें। तो यहाँ पर पहला मुख्य उत्पाद को पहले लिखते हैं, इसका जो मुख्य अम्ल है एसिटिक अम्ल सी बना हुआ है एथिल एसीटेट, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं, तो CH3CO समूह को यहाँ पर लिखें मेन पहला CH3CO। अब यहाँ से इस एल्कोहल का जो OR समूह है अर्थात OCH3 है उसको बाद में लिख रहे हैं अपन, C2H5O के साथ में क्या जोड़ेंगे H को, तो देखिए यहाँ पर एस्टर तो बन रहा है इसमें, पुनः एस्टर बना, थोड़ा ध्यान समझ लेंगे इसमें, एस्टर से एल्कोहल की क्रिया हो तो फिर से एस्टर बन रहा है मुख्य उत्पाद में, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर है एथिल, एथिल ये हो गया एथिल यहाँ पर, और इसको क्या बोलेंगे हम एसीटेट, सॉरी मेथिल, सॉरी CH3 माने हो गया मेथिल है ये मेथिल, और CH3CO माने क्या हो गया ये एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और अर्थ हम यहाँ पर देखें तो केवल क्या बन रहा है यहाँ पर, फिर से नया एस्टर बन रहा है, एस्टर के बदले में एस्टर बना, और राइट हैंड साइड में तो सेम उसी प्रकार से एल्कोहल जिसमें नाम है क्या इसका एथिल अल्कोहल बन रहा है, तो एस्टर से नया एस्टर बन गया, एक एथिल एसीटेट था अब मेथिल एसीटेट बन गया। यदि हम इसको
एथिल एसिटेट लेते सॉरी एथिल अल्कोहल लेते तो फिर से एथिल एसिड बन जाता। इसी को हम मद्देनजर में ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर हमको नया एस्टर बनाना है, इसलिए हम समझने के यहाँ पर क्या लिए हैं इसमें, ये जो राइट हैंड साइड में एथिल है इसको न लेकर के हम क्या लिए हैं इसमें, मेथिल को लिए हैं इसमें। अब आगे चलें इसमें अपचयन अभिक्रिया, ये समझ आ गया होगा। चौथा लिखे अपचयन, चौथा लेते हैं इसमें अपचयन। अपचयन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सामान्य से कहें इसमें तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, दोनों कौन सा अभिक्रिया कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत में यहाँ पर हम लेते हैं एक अपचयन जो नाम से प्रचलित है, जिसका नाम है बुओ ब्लांक अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन। यह अभिक्रिया का नाम ही है जिसमें एस्टर का क्या हो रहा है, अपचयन। जिसमें एक एग्जांपल के ले रहा हूँ मैं, इसमें CH3 लेते हैं, CH3COOC2H5, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि हम एथिल एसीटेट को मुख्य रूप से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे दूसरे एस्टर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इसका जो अपचयन हो रहा है मुख्य रूप से सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, या इसको इस प्रकार से लिख देते हैं हम इसको C2H5OH। क्यों लिखते हैं, दोनों है इसमें, सोडियम एथिल अल्कोहल जब क्रिया करते हैं तो नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं, इसी नवजात हाइड्रोजन को लिखने के इस प्रकार से सक्रिय रूप होता है, ये सक्रिय के लिए यहाँ पर है संकेत, इसको सक्रिय हाइड्रोजन कहेंगे जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होता है, इसको हम नवजात नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ये दोनों क्रिया से बन रहा है इसमें। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन में मैं थोड़ा समझने के यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3COOC2H5, ऐसा है फिलहाल। तो यहाँ से इस कार्बन से जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, पाई बंद है इसमें, तो ये बंद क्या होते हैं, थोड़ा सा दुर्बल होते हैं, तो यहाँ पर पहला अटैक होगा इसमें, गर्म करेंगे इसके साथ मिला करके तो अपचयन अभिक्रिया होगा, वही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, ये जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, पहले देखें इसमें इस प्रकार से CH3 हो गया, सी ऑक्सीजन को निकाल दिया हूँ फिलहाल, इस प्रकार से बन गया C2H5। अब यहाँ पर कार्बन संख्या 4 होती है, तो हम अभी परिभाषा देख रहे थे ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन है और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसके ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ भी रहे हैं, दोनों प्रक्रम चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़िए तो एक बंद दो बंद है, तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, दो। तो इस प्रकार से इसको एक साथ हम क्या लिख रहे हैं इसमें, H2, चाहे तो ऐसा अलग अलग करके भी बना सकते हैं यहाँ पर, इसको अभी सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, इसमें हम सीधा सीधा लिखते हैं CH2 हो गया, एक ऑक्सीजन के बदले में दो हाइड्रोजन। अब आगे ये जो ऑक्सीजन है इसी हाइड्रोजन से क्रिया करके और जो इसके नवजात हाइड्रोजन उससे क्रिया करके क्या बनाएगा, वो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर क्या होते हैं, जल। अब देखिए यहाँ पर सार क्या बना इसमें, CH3CH2OC2H5। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें, ये पहला स्टेप है, इसको हम समझने के लिए इसी प्रकार से लिखे हुए हैं पहला स्टेप में। फिर आगे यहाँ पर और ऑक्सीकरण प्रक्रिया चल, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, मैं समझाने की स्टेप बाय लिख रहा हूँ। अब अगले कंडीशन में देखिए, फिर से यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये मानिए बंद टूट रहा है यहाँ से, यहाँ पर कहने का आशय एक ही है इसमें, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया, CH3CH2 बन गया, और यहाँ से फिर से आगे एक R अलग से हट रहे हैं, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये C2H5 में ये भी टूटता है इसमें। तो पहला स्टेप इस प्रकार से हो गया। अब अगला स्टेप में यहाँ से ये जो C2H5 है वो अलग हो जाते हैं, तो दो प्रकार के यहाँ पर बनेगा, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़े होते हैं RCO समूह के साथ, तो CH3CH2O इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़े, इसको मैं अलग कर देता हूँ फिर से नया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टेप को समझा रहा हूँ आपको किस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ से अब नया बंद टूटेगा यहाँ से, क्योंकि गर्म कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर H, CH3CH2OH। उसी प्रकार से आगे सॉरी एक मिनट, गलती हो गई, थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पर ये जो बंद है इस प्रकार से, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन यहाँ से बंद टूट रहा है, एक मिनट सुधार लेंगे, देखिए यहाँ से बंद टूट रहा है, गर्म कर रहे हैं तो एक साइड में
आर सी ओ, इधर भी है आर ओ। अब यहाँ से केवल हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए इसको मैं अलग कर रहा हूँ, सी एस थ्री सी के साथ में वो है, अभी सी एस थ्री सी के साथ में वो है। तब यहाँ से जब अभिक्रिया होगा इस प्रकार से सी एस थ्री सी ओ, इस प्रकार से समझ लीजिए, अब यहाँ से जब बंध टूटा तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो एक कार्बन संख्या कितनी होती है यहाँ पर, चार। तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये सी एस थ्री सी एच टू, इसी के साथ में ही जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो कार्बन पर भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन पर भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सी एस थ्री सी एच टू ओ एच। अब ये कौन सा अल्कोहल बन गया यहाँ पर, देखिए जब सी एच टू ओ एच होते हैं तो बनता है यहाँ पर ये प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत उसको सुधार लेंगे, प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत नाम हो गया सी एस थ्री सी एच टू एच, माने क्या हो गया यहाँ पर, ये एथिल अल्कोहल, बाकी मूल रूप से प्राथमिक अल्कोहल है। अब एस्टर का जब जल फटन होगा तो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, सॉरी जल फटन बोलता हूँ, ये बुवोलांक अपचयन में। दूसरा देखें राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो है सी टू एच फाइव ओ, ये भी एल्कोहल बन जाते हैं सी टू एच फाइव ओ एच। तो दो यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हुए हमको, सेम एल्कोहल यहाँ पर उपस्थित है इसमें, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल है, इसको हम अभिक्रिया क्या बोलते हैं, बुवो ब्लांक अपचयन कहते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा देखें इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम इसको अपचयन कराते हैं तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमको प्राप्त होगा सेम वही रिजल्ट, माने यहाँ पर नाम को हम सोडियम सोडियम और एथिल अल्कोहल की जगह में हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा करके लिख लीजिए आगे क्या होता है जब एथिल एसीटेट को, ऐसा लिखिए क्या होता है जब एथिल एसीटेट को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक अपचायक के रूप में एक दूसरा अपचायक ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको नाम यहाँ पर यदि सोडियम एथिल को लिखते हैं तो नाम हो जाता है अभिक्रिया का नाम बुवोलांक अपचयन, यहाँ पर केवल हम इसको क्या करें अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, नाम अलग से नहीं है, बाकी दोनों अभिक्रिया अपचयन है। तो यहाँ से ये अपचायक हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, संक्षिप्त में क्या लिखते हैं इसको एल ए एच लिख देते हैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल ही इसमें हाइड्रोजन को जोड़िए या बंध को तोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से ये बंध क्यों बंध टूट रहे हैं समझ थोड़ा समझ लीजिए एक नज़र, इसमें सी एस थ्री सी ओ इस प्रकार से था, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इस सीधे श्रृंखला में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का जो बंध होगा इसमें प्रबल कौन होगा यहाँ पर ऑक्सीजन, तो एक इसको अलग से खींच लेते हैं इसमें, तो यहाँ से बंध टूटते हैं। तो यहाँ पर इसमें उत्पाद ठीक उसी प्रकार से बनेगा सी एस थ्री सी ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, राइट हैंड साइड वाला भी क्या बनेगा एथिल अल्कोहल, लिख ले होंगे, इसका अलग से कोई अभिक्रिया का नाम नहीं है इसमें। अब आगे लिख लीजिए क्लेजन संघनन, एक संघनन अभिक्रिया देख लेते हैं इसमें क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन, संघनन का मतलब होता है दो अलग अलग अणु, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक के हम अभिक्रिया देख रहे हैं संघनन अभिक्रिया, मैं केवल संघनन नहीं बोल रहा हूँ, संघनन अभिक्रिया में दो यौगिक अलग अलग जिसमें यौगिक हैं और दोनों के बीच में एक नया कार्बन और कार्बन के बीच में नया बंध बनता है, और इस अभिक्रिया में कोई सरल अणु का विलोपन भी हो जाता है, या मान लो विलोपन नहीं भी हो रहा है तब की स्थिति में दो अलग अलग अणुओं की कार्बन के बीच में एक नया बंध का अस्तित्व आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखें इसी का एथिल एसीटेट का सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव, इसका दो अणु लीजिए सी एस थ्री सी एच टू, देखिए यहाँ पर सी एस थ्री को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ सी एस थ्री है सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये दोनों के दोनों एथिल एसीटेट हैं, लिख लीजिए दो अणु एथिल एसीटेट का दो अणु। और यहाँ पर मुख्यतः हम फिर सोडियम और एथिल अल्कोहल के क्रिया करने से बनता है इसमें सोडियम मेथॉक्साइड, उसी को यहाँ पर ले रहे हैं सी टू एच फाइव ओ एन ए, सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया चल रही है। तो इसमें क्या होगा थोड़ा देखेंगे, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु हैं यह हाइड्रोजन परमाणु अपने
अलग से एसिटिलकारक के रूप में यहाँ पर जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो ये देखिए CH3CO समूह ठीक उसी प्रकार से दूसरे अणु के एज को क्या कर रहा है, वो एसिटिलीकृत कर रहा है इसमें, या एसिटिलीकृत, और इसका जो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, जल्दी से लिख लें देख करके, CH3CO आगे यहाँ पर इसको हटा कर लिखे सीधा ये क्या हो गया CH2, फिर क्या है यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर है O और क्या है यहाँ पर है C2H5। एक बार पुनः देख लीजिए CH3CO इसका जगह हम लिख लेंगे, बाकी सेम CH2COOC2H5 और आगे में इसमें है C2H5OH प्लस C2H5OH, दोनों बने इसमें मुख्य नहीं है, विलोपित हो रहे हैं इसमें। आगे इसको नोट कर लीजिए, अब हो गया यहां पर इसमें अब नाम लिख लेंगे, इसमें देखिए इसका नाम है एथिल एसीटेट के दो अणु संघनन से यहां पर बना नाम इसका है एथिल, एथिल माने यहां राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है नाम का इसका, एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट इस प्रकार से इसका नाम होता है। इसको अपन सामान्यतः एसीटो एसीटिक एस्टर कहते हैं, सामान्य सूत्र में एसीटो एसीटिक एस्टर, ये सामान्य साधारण नाम में माने सूत्र के रूप में कहें सामान्य जनरल नाम, लेकिन नाम में हम देखते हैं इसमें तो नाम होता है इसका एथिल एसीटो एसीटेट। पिछले साल आप या कक्षा 11वीं में हम देखते हैं इसमें या पढ़े थे चलावैता, उसमें एक आया था इसमें तीन परमाणुओं के मध्य में जिसको हम ट्राइड सिस्टम कहे थे, ट्राइड सिस्टम में जो चलावैता होती है जिसमें तीन बहुसजीव परमाणु के मध्य दोलन होता है, इसमें इसका उदाहरण आया था। अब आगे चलते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक बार पुनः समझ लीजिए एथिल एसीटेट के दो अणु लेंगे, इसमें से सोडियम एथोसाइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया हो रही है, सेम उसी प्रकार से एसिटिल समूह को एक एथिल एसीटेट के जगह में हाइड्रोजन हटा करके उस जगह में जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से अब क्या हो गया यहाँ पर नया बंधे को, पहले जो एसीटेट था उसका कार्बन और दूसरा जो एथिल एसीटेट था उसका कार्बन, अलग अलग कार्बन के बीच में एक नया बंध बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर साथ साथ कुछ उपजात अणु भी बने हैं, लेकिन दो अलग अलग अणुओं के बीच में एक नया बंध हो रहा है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक उपजात अणु के रूप में एथिल अल्कोहल भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं इसमें। अब आगे लेते हैं इसमें इसके सामान्य रूप से कुछ उपयोग हैं, इन्हीं उपयोगों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो लिख लीजिए आप लोग रासायनिक गुण के बाद एस्टर के उपयोग क्या क्या इसमें उपयोग होते हैं, इनके बारे में हम सामान्य रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर जो कृत्रिम गंध होता है सुगंध जिसको कहते हैं हम उसका, या कृत्रिम इत्र के रूप में, उसी प्रकार से सत के रूप में, और उसी प्रकार से सुरुचिक, सुरुचि का मतलब सामान्य से कहेंगे इसमें प्रिय गंध के लिए, उसको हम यहाँ पर दिए हैं नाम कृत्रिम सुरुचिक सत और इत्र के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गोंद है रेजिन है इनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से सेलुलोज को भी विलय करने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है, और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया कुछ सामान्य इनके बनाने के एस्टर के उपयोग, एथिल एसीटेट का नहीं बोल रहा हूँ, अन्य प्रकार के एस्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। अब आगे टॉपिक चलेंगे इसमें एस्टर के बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतिम जो व्युत्पन्न है, यहाँ पर अभी हम अभी जिसको पढ़ रहे हैं इसमें अभी तक एसिड क्लोराइड, उसी प्रकार से एस्टर और एक हम पढ़े एसिड एनहाइड्राइड, इसके अलावा एक और चौथा है जिसका नाम है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड जिसको हिंदी में अपन और अम्ल एमाइड भी कहते हैं, एसिड या इसकी जगह में हम अम्ल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एसिड एमाइड। ये क्या है पहले देखिए, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका सूत्र होता है RCOOH, इसमें से हम OH को हटाते हैं और NH2 समूह को यहाँ पर जोड़ते हैं इसमें, तो यहाँ से OH को हटा देंगे
बनेगा RCO, NH2 को जोड़ेंगे तो बने यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, तो आप यहाँ पर हो गया RCONH2। तो ये है यहाँ पर एसिड एमाइड, इसको सूत्र के रूप में लिख रहे हैं RCONH2। ये जो R है एल्किल भी हो सकते हैं और एरिल भी हो सकते हैं। अब इसको आगे हम इसके संरचना की दृष्टि से हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार संरचनाएं पाए जाते हैं। इसमें संरचना RCONH2। अब एक साथ इसको लिख देता हूं मैं। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और इस प्रकार से यहां से इस इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर भी होता है और इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन बढ़ता है, लेकिन बाद में पुनः यहाँ पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ऑक्सीजन तक पहुँच जाती है। तो इससे क्या बन जाते हैं, इसको तीर्चिन्ह के द्वारा बनाए इसमें, तो यहाँ से बनेगा ऐसा हो जाएगा तब की स्थिति में जहाँ से निकला है, पर इस नाम को लिखता हूँ मैं इस प्रकार से, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पर धनात्मक आवेश और जिस पर आखिरी में गया है वहाँ पर क्या बन गया, माइनस चार्ज। और यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड भी हो रहा है, यहाँ पर ये एक बंद के रूप में आ रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ से डबल बॉन्ड, क्योंकि ऐसे डबल बॉन्ड होगा तो पाँच हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए इस प्रकार से इसको हम यहाँ से एक बंद खिसकने के बाद इस प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको दर्शाते हैं बंद को। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज हो गया और ऑक्सीजन पर क्या हो गया, यहाँ पर ऋण आवेश बन गया। उसी प्रकार से ये दो रूपों में पाए जाते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इस प्रकार से संरचना है, ये सामान्य संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आगे देखें इसमें कुछ चलावयता भी पाए जाते हैं, आगे लिख रहे हैं इसमें चलावयवता, इसी के आधार पर है ये। अब इस चलावयता को हम यहाँ पर बोलते हैं एमिडो इमिडो चलावयता या एमिडो इमिडो तंत्र कहते हैं, एमिडो लिख लीजिए AMIDO और आगे इसमें है इमिडो IMIDO, देखो अलग अलग है, एमिडो है हिंदी में इस प्रकार कहेंगे एमिडो और एक है इमिडो इमिडो, इसको बोलते हैं तंत्र एमिडो इमिडो सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें चलावयता के रूप में यहाँ पर एमिडो के रूप में भी पाए जाते हैं और इमिडो प्रकार की संरचना में भी पाए जाते हैं। तो इसको यहाँ पर दर्शाने के लिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर ये नहीं है, मैं संरचना बताता हूँ, समाज चलावयता के रूप में बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे हम अभी इसको बनाए थे वैसे हाइड्रोजन, इसको मैं अलग से कर देता हूँ, आप इसको मत समझें कि अभी एमिडो इस संरचना की दृष्टि से बताया गया था, इसी संरचना की दृष्टि से आगे इसमें चलावयता पाए जाते हैं। तो चलावयता के लिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इसको एमिडो इमिडो सिस्टम कर रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए किस प्रकार से, देखिए संरचना की दृष्टि से RC OO और इसी पर है इसमें NH2। अब इस संरचना को हम कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से बनता है उस रूप में पाए तो उसको हम देख रहे हैं इसमें। इसको मैं थोड़ा और अलग कर देता हूँ इसमें, इस प्रकार से अभी फिलहाल NH को इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ इसमें। एक हाइड्रोजन चाहे इसको लें चाहे इसको लें, चलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहे हैं, दोलन कर रहा है ये, फिर यहाँ पर अगला बहुसंयोजी परमाणु, थोड़ा समझ लेंगे चलावयता क्या है। चलावयता का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु का दोलन होता है और वो भी बहुसंयोजी परमाणुओं के मध्य में, बहुसंयोजी माने जो एक से अधिक बंध बनाते उसके मध्य में होगा। तो इस प्रकार के घटना से क्या होते हैं इसमें, उसके क्रियात्मक संबंध बदलते हैं और बंधों की जो स्थिति है वो भी बदल जाते हैं और साथ साथ साम्यावस्था में होते हैं, गतिक साम्य में। तो गतिक साम्य के लिए यहाँ पर ऐसा चिन्ह दोनों साइड न बना करके देखिए, इस प्रकार जैसे हम उत्क्रमणीय वगैरह लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इसको बनाते हैं। गतिक साम्य माने बार बार से चेंज हो रहे हैं, एक ही जगह पर वो रुक नहीं गया कि इसी प्रकार से बनेगा और इसी प्रकार से बनेगा, ये दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लगातार चेंज होते हैं। अब यहाँ से क्या बनेगा बताए, यहाँ पर अभी तक किस प्रकार से है, ये यहाँ पर है ये एमिडो संरचना, ये देखिए यहाँ पर इसको नीचे में नाम चाहे तो लिख सकते हैं एमिडो, मैं अभी तीर चिन्ह से लगा हूँ अगले संरचना बताने के लिए, एमिडो संरचना ऐसा लिख लीजिए, माने एमाइड के रूप में है, CONH2 के रूप में। अभी
अगला में देखिए, इसी एज को यहाँ पर या इसको एज दोनों की कोई भी एक एज को हम लेंगे, इस प्रकार से दोलन कर रहे हैं, एक बार बहुत सजीव परमाणु के मध्य में, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, अगला में यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन पर। तो क्या बनेगा यहाँ से, आर सी, देखते हैं यहाँ पर ये जो एच है यहाँ पर आ चुका है ऑक्सीजन पर, साथ साथ यहाँ पर ये जो बंद होते हैं इसको मैं समझाने के लिए एक काम करता हूँ, इसमें इसको मैं इधर से ले जाता हूँ, ये तो यहाँ पर आ ही रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, और यहीं से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हैं इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं अलग से, और इसी को हम बोले थे परिभाषा के रूप में, हाइड्रोजन परमाणु का दोलन बहुसंयोजी परमाणु के मध्य होते हैं और उसके फलस्वरूप क्रियात्मक समूह बदलते हैं और साथ साथ बंधों की व्यवस्था, तो बंधों की व्यवस्था माने अभी ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड था चेंज होकर के अब कार्बन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड होने जा रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पर एच यहाँ तक पहुँच चुका है आखिरी, यहाँ पर ये जो बंध है यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस प्रकार कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अभी तक है ऐसा, और ये हाइड्रोजन निकल चुका है इस प्रकार से यहाँ पर, ये इसमें हम इसको जब बनाएंगे संरचना की दृष्टि से तो केवल एक ही प्रकाश हो सकते हैं, इस प्रकाश केवल एनएच करने, क्योंकि हमको ये देखना है संयोजकता पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम अनुनाद नहीं बना रहे हैं, अनुनाद में तो प्लस माइनस होता है, इसमें अनुनादी संरचना नहीं है ये। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एक बंद, दो बंद, तीन बंद, सभी की बंद जितना होना चाहिए उतना ही है, तो इसको हम बोलते हैं सी डबल बॉन्ड एन एच, और इसी सी से ओ एच जुड़ा होता है तो हम इसको बोलते हैं इमीडो समूह, ई मी डो, तो ये इमीडो संरचना बनी यहाँ पर, एक इमीडो हो गया और एक क्या हो गया यहाँ पर एमीडो, इसीलिए नाम दिया गया इसको इमीडो, इमीडो सिस्टम या तंत्र, और ये बार बार चेंज हो रहे हैं इसी रूपों में पाए जाते हैं, ये चलावेता के रूप में, सॉरी चलावेता में इस प्रकार से इनमें एमीडो, इमीडो चलावेता पाए जाते हैं, और इसमें स्थान समायता नहीं होता, जैसे हम समायता के बारे में अध्ययन करते हैं स्थान समायता, क्रियात्मक समायता, मध्यावयता, वैसे एक होता है इसमें संरचनात्मक समायता के अंतर्गत चलावयता, और इसमें चलावयता मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे इसका नामकरण, नामकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो पहले आप लोग लिखिए इसका नामकरण, पहला है साधारण नामकरण या रूढ़ पद्धति। साधारण नाम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये कौन से अम्ल से बन रहा है उसी के आधार पर, पहले एक उदाहरण लेते हैं CH3CONH2, तो इसको पहले हम देखें किस प्रकार से बना है, तब कि हमको समझ आएगा इसमें एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल से OH को हटा रहे हैं और NH2 समूह को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा CH3CONH2। अब इसका नामकरण देखेंगे, साधारण नाम में इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मूल अम्ल या जनक अम्ल को, अभी जो उदाहरण है उसमें एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल में ई अम्ल को हटाना है अम्ल, और आगे इसमें जोड़ना है एमाइड शब्द को, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ईक अम्ल इसके अंत में प्रत्यय है, ईक अम्ल, इस प्रत्यय को हटाएंगे और इसके जगह में हम क्या करेंगे यहाँ पर एमाइड को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा एसिट, और एसिट हो गया ईक हटाएंगे तो एसिट अम्ल भी हटा चुके हैं, और आखिर में क्या जोड़ना है हमको यहाँ पर एमाइड शब्द, तो एसिट एमाइड हो गया, इसी को हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलते हैं एसिटामाइड, क्योंकि यहाँ पर ट में आखिरी में आ रहा है यहाँ पर ए, तो अ और ए मिलकर के क्या बना ले यहाँ पर आ, तो नाम हो जाएगा इसका एक साथ एसिटा। अंग्रेजी में कोई लिखेंगे इस प्रकार से ऐसा हो गया, तो समझने के लिख लेते इसको एसिटिक एसिड, तो आई सी, यदि अंग्रेजी की बात करूं मैं, आई सी और एसिड पूरे को इतने को हटाएं और एमाइड शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया देखिए एसीईटी
SET और आखिरी में एमाइड, तो एमाइड के लिए होता है AMID, तो एक साथ हो गया एसिटामाइड। ऐसे और कार्बन की संख्या, सॉरी नाम के आधार पर यदि फार्मिक एसिड से होगा तो फार्मेमाइड, एथेनोइक सॉरी अलग अलग और भी नाम होंगे तो उसी के आधार पर हमको साधारण नामकरण में करना है। इसमें ब्यूटेनामाइड हो सकता है, इस प्रकार से ब्यूटेरिक एसिड से होगा तो सॉरी ब्यूटी, एक काम करते हैं इसमें ब्यूटेरिक एसिड लेते हैं उदाहरण के लिए, ब्यूटीरिक अम्ल, तो क्या होगा इसका नाम में ई अम्ल हटा करके एमाइड सब जोड़िए तो ब्यूटीर एमाइड, ब्यूटीरामाइड, ब्यूटीरिक में से ई हटा रहे हैं तो ब्यूटीर हो गया और इसमें आखिरी में एमाइड जोड़ रहे हैं तो नाम हो गया इसका एमाइड, तो यहाँ पर एक साथ क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटीरामाइड। ये साधारण नामकरण में है क्योंकि हम इसको चार कार्बन वाला जो हम पढ़ते हैं इसमें जैसे C3H7COH इसी से बना हुआ है, और इसमें वही छोटा करके जोड़ा गया इसमें C3H7CONH2 ऐसा बन गया, तो ये कहलाएगा इसमें ब्यूटीरामाइड। अब आगे चलें इसमें IPC नामकरण के तहत, तो IPC नामकरण में लिख लेंगे आगे होगा IPC नामकरण, दूसरा नामकरण का तरीका होता है इसमें IUPAC। IPC नाम में क्या करेंगे, देखिए किस अम्ल से बना इसको देखें अपन, जैसे उदाहरण के लिए बार बार हम इसी को एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें सरल उदाहरण, इसका IPC नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्केनोइक अम्ल, ये सूत्र के रूप में कहें तो नाम क्या होता है इसका, एल्केनोइक अम्ल, ये IPC नाम की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें पर्टिकुलर एक कार्बन दो कार्बन, तो एल्केन क्या होता है बताओ, एथेन, पढ़ चुके इसके बारे में हम लोग, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, अंग्रेजी में लिखेंगे इस प्रकार से एथेनोइक एसिड, ठीक वही इसमें भी काम करेंगे, IC1 एसिड को हटाएंगे और इसमें एमाइड शब्द को यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें, तो यह बन जाएगा इसमें एथेनामाइड, एथेना, देखिए एथेन हो गया ओइक अम्ल, सॉरी इसमें OIC है पूरा यहाँ तक, एथेन हो गया, अब आगे इसमें ओइक अम्ल हटा देना है ओइक एसिड, यहाँ पर प्रत्यय फिलहाल ओइक अम्ल, ई अम्ल नहीं बल्कि क्या है ओइक अम्ल, इस ओइक अम्ल को हटाना है और उसके जगह में हमको क्या लिखना है एमाइड, तो एथेन में हमने क्या जोड़ दिया इसमें एमाइड, तो नाम हो जाएगा इसका एथेनामाइड, अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस प्रकार से ETH देख लिख सकते हैं AN एथेन, अब आखिरी में एमाइड जोड़ रहे हैं तो AMIDE एथेनामाइड, ये रहेगा इसका IPC नाम। इसी प्रकार से हम और अन्य प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बने हुए एमाइड हैं हम इनको नामकरण कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर नामकरण के बाद में चलें इसमें इनको बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं इसके बारे में हम देखते हैं इसमें। आगे लिखेंगे इसमें बनाने की कुछ सामान्य विधियां, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में हम मुख्यतः एक पढ़ते हैं इसमें एसिटामाइड बनाना, सीधा सीधा फिर डालिए एसिटामाइड बनाने की विधि, एसिटामाइड यहाँ पर हेडिंग में डाल दीजिए, एसिटामाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख लिया, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, इसमें हम देखते हैं प्रयोगशाला में एसिटामाइड कैसे बनाते हैं,
जैसे हम एस्टर मेथिलेसिटेट पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से एमाइड में हम हमारे प्रयोगशाला में मुख्य से बनाने के लिए हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, एसिटामाइड। सूत्र क्या होता है एसिटामाइड का, सामान्य सूत्र हम देखते हैं इसमें CH3CONH2। और इसका मूल अम्ल देखेंगे तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल CH3COH, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक अम्ल। इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में लेते हैं। एसिटिक अम्ल तनु भी हो सकता है, सांद्र भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सांद्र माने इसको हम ग्लेशियल कहते हैं, अति शुद्ध रूप को हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें। तो हो गया, नाम लिख सकते हैं चाहे तो इस प्रकार से, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं इसमें NH2 समूह प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम लवण के रूप में कुछ लेते हैं इसमें। तो मैं इसको कॉमन से पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखेंगे। एसिटिक अम्ल तो लिए क्योंकि हमको यहाँ से प्राप्त करना है CH3CO प्राप्त करने के लिए, और अमोनिया यहाँ पर NH2 समूह प्राप्त करने के लिए अमोनिया चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर प्रयोगशाला में हम अमोनिया से इसको नहीं बनाते, प्रयोगशाला में हमको अलग से इसमें नहीं प्राप्त होता, उसके लिए हम एक लवण के रूप में लेंगे, और इसी का लवण है अमोनियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बोल रहे हैं इसमें, अमोनियम लवण। तो इसको मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ इसमें सूत्र के रूप में, ग्लेशियल एसिटेट मिलाया जाता है इसमें, और लेने के लिए हम इसको कहाँ से लेते हैं, इसमें अमोनियम लवण से प्राप्त करते हैं। तो यदि हम चाहें तो कौन कौन से रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होगी, तो लिख सकते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और दूसरा एक मुख्य है इसमें अमोनियम का एसिटेट CH3COONH4, नाम इसका NH4, यानी हो गया यहाँ पर अमोनियम। क्यों बोलते हैं, पहले प्लस चार्ज वाले को पहले बोलते हैं, माइनस चार्ज वाले को बाद में। तो अमोनियम और CH3CO- को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एसिटेट। ये लवण के रूप में होते हैं, इसको लेकर के हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है, निर्जलीकरण हो जाता है इसमें। निर्जलीकरण के दौरान यहाँ पर H2 और इसका A को H2 बनाकर निकल जाते हैं, बचता इसमें है CH3CONH2 CH3CONH2 प्लस यहाँ से निकलेगा H2O। तो इस प्रकार से हम एसिटामाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा ध्यान समझेंगे इसमें, जो एसिटामाइड प्राप्त हो रहा है CH3CONH2, यदि इसमें केवल अमोनियम एसिटेट ही रखते हैं और गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो केवल अमोनियम एसिटेट मिलाकर गर्म करेंगे तब एसिटामाइड तो बनेगा, जल भी बनता है, और उसी जो जल है उससे क्रिया करके जो एसिटामाइड है पुनः अपघटित हो जाते हैं, और अपघटन से यहाँ पर यौगिक बनता है। अपघटन का मतलब ही बंध का टूटना, तो यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले यौगिक अलग, थोड़ा समझाने के इसको मैं यहाँ पर संरचना दृष्टि बता रहा हूँ। इस प्रकार से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध है ये, इस प्रकार से। अब यहाँ से बंध टूट रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बंध, तो ये अलग से यौगिक बनाते हैं और ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन करके निकल जाते हैं। तो इसको अभी हम इस प्रकार से क्योंकि लिखे इसलिए हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, तो इसी गर्म यहाँ पर तापमान दे रहे उसी के आधार पर तो क्या बन जाते हैं, यहाँ से अमोनिया बनते हैं। दूसरा यहाँ से एच तो एक एच NH2 के साथ जुड़ करके NH3 बना चुका है, इसको मैं समझने की आशा करता हूँ। चलिए H2O को HOH लिख देते हैं, HOH सरलता के लिए, ऐसा अमोनिया बन गया CH3COOH। देखिए फिर से बन गया, हम लिए थे एसिटामाइड बनाने के लिए, क्या लिए थे हम, अमोनियम एसिटेट, लेकिन पहले तो बना, लेकिन बनने के बाद में उसी टेम्परेचर से ही और आगे वह क्या हो जाता है, टूट करके जल घटित होकर के फिर से एसिटिक अम्ल क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है चलती है, साथ ही साथ एक प्रक्रिया और चलती है जिसमें ये जो अमोनियम एसिटेट हैं CH3, देखिए दो प्रकार, ये तो अभिक्रिया होना ही है, लेकिन इसके अलावा ये भी हो रहा है, दो प्रकार के प्रोसेस या अभिक्रिया CH3CONH4, अमोनियम का जो एसीटेट है
यह जो यहाँ पर प्राप्त हो गया अमोनियम एसीटेट से एसीटामाइड प्लस जल, लेकिन वो जो जल बना हुआ है वो आधा जो अमोनियम एसीटेट है उसके साथ पुनः यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से अब घटित होकर इसको घोल रहा है, क्योंकि बिल्वभट्ट हैं और बिल्वभट्ट होने के कारण से ये क्या हो जाते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। तो किस प्रकार से आयनित होगा इसको यहाँ पर हम समझते हैं, और इसके आनंद से आखिरी में फिर से क्या बनेगा, यहाँ से अमोनिया बनेगा और क्या बनता है, ये एसीटिक अम्ल। इस प्रकार के ये प्रक्रिया चलते रहते हैं, और ये अभिक्रिया कैसी होती है, ये उत्क्रमणी, एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया, यहाँ से एनएच3 निकाल दीजिए, गर्म होकर के टूट रहे हैं और अमोनिया ही बना रहा है, और क्या बना रहा है, वो एसिटिक एसिड, ये जल से घुलने के बाद में। तो ये दो प्रकार के साइड रिएक्शन चल रहे हैं, हमको प्राप्त करना है केवल CH3CONH2। तो क्या करेंगे इसमें, इस प्रकार के जो अन्य अभिक्रिया, अन्य प्रकार के अभिक्रिया से लिख रहा हूँ उसमें, अन्य अभिक्रिया, ये मुख्य अभिक्रिया तो वही है, लेकिन इस प्रकार के दो अन्य अभिक्रिया भी चल रहे हैं, और उसमें दोनों में देखें एसिटिक एसिड और अमोनिया ही बन रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिलाते हैं इसमें। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है इस प्रक्रिया को, साइड में होने वाले प्रक्रिया को रोक लेता है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो आज यहाँ पर हम इसमें ये देख रहे थे, इसमें प्रयोगशाला में एसिटामाइड कैसे बनाते हैं, इसका आगे जो बिंदु है चित्र, इसको हम बाद में समझेंगे। धन्यवाद।